उतरे थे और उपचुनाव में जीत कर यहाँ पर विधायक बने थे। एक बार फिर से वो मैदान में है और उनके सामने कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है और इसी बीच चुनावी माहौल जानने के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे हम मंडी में। मंडी में हमें ये एक खास साइकिल नज़र आई है और इस साइकिल को देखिए किस तरीके से सजाया गया है। फूल माला भी जो है इस साइकिल पर लगाई गई है और ये चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद, ये लगाया हुआ है। बीजेपी का फटका भी है, बीजेपी के झंडे भी हैं और बाबा भी हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करना चाहेंगे। राम राम बाबा। राम राम। कैसे हो आप? ठीक हूँ साहब। सब बढ़िया? बढ़िया, माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं साहब। भव्य बिश्नोई ने काम तूफानी से चला रखा है, चल रहा भी है। 8 करोड़ रुपए का आदमपुर हल्का केंद्र बहुत ही बहुत धन्यवाद कर रखे है साहब। आगे आने वाले समय भी बहुत काम करवाएंगे, ये बहुत अच्छा काम करेंगे साहब। ये जो साइकिल है बड़े तरीके से आपने सजाई हुई है, क्या खास वजह है इसकी? ये खास मेरा प्रेम भाव है, मेरा पोता है जी ये। अच्छा। हाँ, सागे मेरा परिवार है, आदमपुर हल्का इसका परिवार है, सारा परिवार है इनका। इनको छोड़ के कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे हम लोग। आपका नाम क्या है? रामोतार शर्मा है। रामोतार शर्मा जी, तो आपने पूरा मतलब रंग में रंगे हुए हैं? हाँ, रंग में रंगा हुआ हूँ साहब। मेरे पोते के इलेक्शन है तो मैं पूरा रंगा रंग में हूँ जी। अच्छा, उनके कार्यक्रमों में ये साइकिल लेके आप जाते हैं? हाँ, उसी के कार्यक्रम और किसी के में नहीं जाता मैं। अच्छा, स्पेशली उनके कार्यक्रमों के लिए साइकिल सजाई है? हाँ, सजाई है। कब सजाई ये साइकिल? ये होगी 56 साल साहब। ये साइकिल 56 साल से आपने सजाई हुई है? सजाई हुई है साहब। साइकिल बदली? नहीं, कोई बदली नहीं है साइकिल, इतनी पुरानी साइकिल। गैरेज में खड़ी रहती है ये। अच्छा। हाँ, ये साइकिल खड़ी रहती है, लेकिन चुनाव के वक्त पे आती है ये बाहर न। चुनाव के वक्त इसे बाहर निकालता हूँ साहब। और 56 साल से इसको सजाते रहे हो? सजाते रहा हूँ साहब। तो जाते हो आप कार्यक्रमों में लेके? बिल्कुल साहब, जाता हूँ, खड़ा ही हूँ ना, आप देख लो। भव्य बिश्नोई जी ने देखी है साइकिल? खूब देखी है साहब, जानता है मेरा पोता ही है तो जानेगा कैसे नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी खूब साहब, भजनलाल जी की तो आशीर्वाद थी मेरे पे पूरी खींचम खींच। कैसे आशीर्वाद? आशीर्वाद है, सब कुछ दिया हुआ है चोर साहब का मेरे को। मकान उन्होंने दिया हुआ है, काम उन्होंने कराया हुआ है, आशीर्वाद उनकी है, सब कुछ उनका दिया हुआ है मेरे को। और अब चलिए चुनावी माहौल जान लेते हैं। ताऊ जी, राम राम। राम राम। कैसा माहौल देखा जा रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया कैसे? बढ़िया है, भव्य बिश्नोई एक तरफा जीतन लगने। एक तरफा? एक तरफा है जी। अभी 2 साल से वो विधायक है, काम कुछ हुए? काम बहुत ज्यादा, कितने गिना ही नहीं सकते। काम क्या है? क्या क्या काम हुए? काम 800 करोड़ रुपए आदमपुर हल्के में लगाए, और आदमपुर में सीवर और पानी की इतनी व्यवस्था होने लग रही है पूछो मत। एक एक दिन ये चंडीगढ़ की तरह हो जाएगा। और ऐसे कुछ काम है जो अभी होने बाकी हो? बाकी काम तो चल रहा है, अभी लगेगा 1 साल टाइम तो और लगना है। काम चल रहा है? काम चल रहा है, काम में कोई कमी नहीं है। क्या कहेंगे आप? काम ही काम है जी। मंडी आदमपुर के अंदर 800 करोड़ रुपए हल्के में 800 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अभी सीवर लाइन डल रही है, उसके बाद सड़कें बनेगी। हमारे मंडी के अंदर मेन समस्या थी बरसाती पानी, जो मंडी भर जाती थी, वो काम हमारा सुचारू से पूरा हो गया है। अब अगर बरसात आती है तो मंडी में पानी नहीं ठहरता, ये बहुत बढ़िया। मान लो हरियाणा के अंदर 1-2 मंडियाँ ऐसी है जहाँ ये सिस्टम हुआ है, यहाँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने ये काम करवा के दिया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी कई सारे हैं, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, बीजेपी कांग्रेस तो हमेशा से रहती है, उसके अलावा भी कई प्रत्याशी इस बार मैदान में देखे जा रहे हैं, उनका कोई प्रभाव वोटों पर पड़ेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, एक तरफा मामला आप समझ रहे हैं? नहीं, एक तरफा नहीं होता कभी भी कोई इलेक्शन, लेकिन जीत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की है, भव्य बिश्नोई की है। इसकी वजह अब आप पूछेंगे भी क्या विकास कार्य, जैसे कि आप पीछे पूछते आ रहे थे। देखिए, मैं आपको पीछे से लेकर आज तक का इतिहास बताता हूँ। आदमपुर के अंदर चंडीगढ़ के बाद एकमात्र आदमपुर ऐसी मंडी थी जिसके अंदर ड्रेनेज और सीवरेज दोनों व्यवस्थाएं थी। जो जो जनसंख्या बड़ी टाइम गया, 50 साल पुरानी चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ पे ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था की जो बिछाई थी लाइनें, वो डैमेज हो गई टाइम के साथ। और जो पिछली सरकारें थी वो अभी पीछे वो उदासीन रही। जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भव्य बिश्नोई जी हमारे यहाँ से विधायक चुन करके गए, उन्होंने ये बात विधानसभा पटल पर उठाई और जा करके अपना प्रपोजल लेकर जो ही वो मुख्यमंत्री जी के पास गए, 800 करोड़ रुपए उन्होंने आदमपुर के लिए मंजूर कराए। आप देख रहे हैं पूरे आदमपुर के अंदर ड्रेनेज और सीवरेज और पीने की पाइपलाइनों का काम चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये विधानसभा सीट है आदमपुर, ये पूरी तरह से विकास के रथ पर सवार है और तेजी के साथ वो रथ आगे बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अभी जो बताया ये हकीकत है। और आपने ये बात पूछी भी आगे क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी या क्या मुद्दे रहेंगे। राजनीति में अगर मुद्दे ख़त्म हो गए तो राजनीति के मायने ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से भव्य जी बने हैं और तो तब से विकास का कोई पहिया मतलब रुका ही नहीं है, दिन रात चल रहा है। रही बात आगे के प्रोजेक्ट की, ऐसे बहुत काम है जो भव्य जी लाने के लिए मतलब तत्पर है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इसका कोई प्रभाव देखा जाएगा? प्रभाव बढ़िया रहेगा जी इनका, कांग्रेस से अच्छा है अभी अब फिलहाल। मतलब कांग्रेस से बीजेपी में आके अच्छा किया? अच्छा किया इन्होंने, अच्छा किए, बहुत बढ़िया रुझान बना रखा है लड़के ने। और चौधरी साहब की लाइन पर ही चल रहे हैं, चौधरी भजन लाल जी है ना, उसके पसीनों पर चल रहे हैं। उनकी छवि देखते हैं आप इनमें? हाँ बिल्कुल देखते हैं जी। इस तरह से बहुत माहौल, उनका जो व्यवहार था उसी व्यवहार, वही व्यवहार इनका है, काम कराने में, बोलने में, बतलाने में, सब जगह वही कॉपी है। कुछ लोग यहाँ से भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप अभी चलकर आए हैं, ये सभा देखकर आए हैं या फिर अभी पहले से थे? ना पहले से आए हैं मैडम, हम सफीदो विधानसभा से आए हैं भव्य जी के उसमें। अच्छा, हाँ जी, सफीदो विधानसभा से आप आए हैं जी? मैम क्या कुछ माहौल सफीदो में? माहौल बहुत बढ़िया है मैडम, सारे हरियाणा में बीजेपी की लहर चल रही है और 60-65 सीट विधानसभा जीतेगी अब की बार बीजेपी पार्टी मैडम। माहौल आप देख रहे हैं? तीन दिन से जैसे माहौल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पहले माहौल कुछ थोड़ा ढीला था मैडम, तीन दिन से ऐसा माहौल हो गया, कभी ऐसा नहीं हो 70 सीट पार कर जाए बीजेपी पार्टी और सारे हरियाणा में कमल खिलेगा अब की बार दोबारा फिर पूरे बहुमत के साथ। देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं और ये मंडी है, और देखिए मंडी हरियाणा में जब मंडी की बात आती है ना तो सबसे ज़्यादा मुद्दे भी निकल कर आते हैं। किसानों का राज्य है ये, प्रदेश है ये, और ऐसे में कई मुद्दे निकल कर आएंगे। बहुत देर से आवाज़ यहाँ से भी हमें सुनाई दे रही है और मुद्दे कई इनके भी हो सकते हैं, तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी जरा आएँ और बात करने की कोशिश करें क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। हम लोगों को लग रहा था कि आप लोग वहाँ पर आएंगे भीड़ देख कर, लेकिन हम ही लोग आप लोगों के पास आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों के, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर मुद्दों के साथ शुरुआत करेंगे। धर्मवीर खेचड़ जी, मंडी आदमपुर से। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हम लोगों ने एक वहाँ पर बैठे थे बैठक जिसमें हमने मुद्दे जानने की कोशिश करी, आप लोग हमें यहाँ पर नजर आए तो सोचा आप लोगों के पास भी आया जाए। मास्टर जी बैठ के प्लीज। मुद्दे यहाँ क्या मुद्दा नहीं बताओ, बताइए। सड़कें देखो, पानी पीने के नहीं है, सड़कें नहीं है। यहाँ एक सड़क बनाई है रबड़ की, देखी होगी आपने, नई सड़क बनी है, कोई रबड़ की ऐसी करती है, वो चलता है कोई साधन? मैंने तो अभी नहीं देखी क्योंकि मैं आई हूँ और ऑफिस के सामने ही है, इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने रातों रात बड़ी है वो सड़क है, और वो रबड़ की बड़ी है, वो देख लेना आप। कहाँ पे है ये सड़क? ये इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने बस अड्डे से हॉस्पिटल की तरफ रबड़ की सड़क बता रहे हैं यहाँ पे ये। देखिए ये जो बात कर रहे हैं आप, इनका व्यंगनात्मक समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप इनसे ये पूछिए कि जब कोई भी काम ड्रेनेज या सीवरेज जब धरातल पे उतरेगा तो क्या वो हवा के ऊपर से आएगा? 15 फुट गहराई में सीवर व्यवस्था जब हम लागू करने जा रहे हैं, चालू हो रहा है उसके ऊपर काम, तो निश्चित तौर पर उस सड़क को तो उधेड़ना ही पड़ेगा ना, सड़क तो उसके बाद बनेगी ना उसके ऊपर। अब आप पूछिए कि सीवरेज का काम चल रहा है कि नहीं, पाइप डल रहे हैं। वो इतनी जल्दी में बनाने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी में बनाने की, दलदल बनाने की जरूरत नहीं थी या उसको अच्छी तरह? नहीं आराम से नहीं, वो दलदल क्यों बनाई है भी? कोई साधन आए, साधन दस जाए या किसी को चोट लगे पीछे? टाइल लगा रखी है, टाइल लगा के बना रखी है सड़क, तो कुछ जरूरी थी सड़क बनानी थी तो 2 महीने पहले भी काम हो सकता था। अभी इलेक्शन के टाइम लोगों की ये अभी कोई बाहर से आता औरत वो गाड़ी दे अंदर ही घुस नहीं सकता मंडी में, भाई बाहर की बाहर है, अंदर नहीं आए कोई, इतनी बुरी हाल है सड़कों का। और पानी का तो कहना ही क्या है, आरओ का जो पानी आता है ना वैसा पानी आता है पीने के लिए, क्या बात है, खुद को तो पीना नहीं होता। कल 2 दिन पहले मैडम गई थी लाइन पर, तो लोगों ने कहा था, लाइन पर गई थे जब लोगों ने कहा था मैडम पानी पी के तो देखो, लेकिन वो पानी कौन पिए, क्यों आरओ का पानी आता है वो यहाँ बहुत शुद्ध आता है। अभी धर्मवीर जी ने 2 समस्याएं बताई, पानी की और सड़क की। धर्मवीर जी को ये बताना चाहते हैं जो ऑलरेडी जो खुदाई हुई है वो किस चीज़ के लिए हुई है? पानी की सप्लाई बिछाने, नई लाइन पाइपलाइन बिछाने के लिए। आरओ सिस्टम किस चीज़ का लग रहा है? वो पानी की, शुद्ध पानी घर में सप्लाई देने के लिए। रही बात जो अभी जो बताया भाई साहब ने, अभी प्लास्टिक की सड़क बिछी हुई है, हो सकता है हमारे को तो वो इंटरलॉक की दिखाई दी, इनको हो सकता है प्लास्टिक की दिखाई देगी। जो सड़क बिछाई गई है
वो एक हॉस्पिटल तक ये टेम्परेरी बिछाई गई थी, फिर एम्बुलेंस तो किसी को पूछ के नहीं आनी जानी पड़ती। टेम्परेरी सड़क वो इसलिए बिछाई गई थी भी जब भी बनेगी, अभी आरसीसी सड़क बनेगी, उससे पहले जो नीचे एक पानी का जो लेवल है वो हाई लेवल पे आया, ऊंचा लेवल पे आया हुआ है, तो वहाँ दलदल बन चुकी थी। तो सिर्फ एम्बुलेंस को आने जाने के लिए और जो 40-50 फुट का रास्ता बनाया गया था वो एम्बुलेंस के लिए बनाया गया था, ना कि आम पब्लिक के लिए। ये तो कह रहे हैं एम्बुलेंस के लिए बनाई गई है जल्दबाजी में वो सड़क, क्योंकि उस पर अभी कार्य होने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए। ये तो ये कह रहे हैं ना, ये बात तो नहीं। आपको क्यों लग रहा है ये कह रहे हैं? नहीं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, हाँ जी, वहाँ पे सीवरेज की पानी, सीवरेज की लाइन है, सीवरेज की लाइन बिछाई जा रही है, उसके बाद में पानी की लाइन बिछाई जा रही है। अब क्या होता है कि सारे एक साथ फोड़ के रख दें, वहाँ पे आने जाने का रास्ता बंद कर दें, ये तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्या किया गया, एक लाइन बिछा दी भाई, आने जाने के लिए एक बार रास्ता बना दो, एम्बुलेंस है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आने जाने का थोड़ा बहुत रास्ता है, 2-3 गलियाँ मिलती हैं, इसके लिए एक बार सड़क बना दो टेम्परेली। जब दूसरी पाइपलाइन डलेगी पानी वाली तो उसको हटा लेंगे, टेम्परेली है ना ये, तो नहीं कुछ सारा खर्चा एक साथ 800 करोड़ उसी एक सड़क पे लगा दी, वो नहीं किया है, वहाँ पे टेम्परेली काम किया है। एक बार सड़क के रास्ता बन जाए, हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता मिल जाए, जिस दिन दूसरी पाइपलाइन डलेगी उसको हटा लेंगे, उसके बाद में दूसरी लाइन डाल के दोबारा फिर पक्की बनाएंगे। पक्की तो बाद में बनेगी, अभी पक्की नहीं बनाई गई है। आप जाके देखो वो इंटरलॉक की सड़क है। देखिए मैं बताऊं, जैसे कि अभी 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 मेरे मित्र ने ये बात कही कि आप इन्होंने ये कहा कि रबड़ की सड़क बन रही है। देखिए निश्चित तौर पे जब कहीं भी कोई विकास कार्य चल रहा होता है, जहाँ के आदमपुर हल्के में, ये सिर्फ आदमपुर मंडी की बात कर रहे हैं, आप आदमपुर के चारों तरफ की देखिए। अब आप शायद हिसार से आए होंगे, अगरवा से जो हमारा स्टेट हाईवे है उसको पूरे को खोद रखा है। अब ये तो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने तो सड़कें फाड़ दी, लेकिन वो किस लिए उखाड़ी गई है? नहीं बनाने के लिए उखाड़ी गई है ना। तो चारों तरफ से जो काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, इनको ये भी पता है कि पिछले जो 10 साल थे, जो हुड्डा साहब की सरकार थी, उसके अंदर यहाँ पे आप एक बड़ा निर्माण की तो छोड़ो, एक चूल्हे की ईंट तक नहीं लगी। आज ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आपकी जब 10 साल तक सरकार थी तो आप कहाँ सोए हुए थे? तब जब 2014 तक यहाँ चूल्हे की ईंट तक नहीं लगी। यहाँ पे एक कॉलेज बना दिया गया है बालसमंद के अंदर, लड़कियों के कॉलेज की मंजूरी हो गई, बालसमंद की अनाज मंडी अप्रूव कर दी गई है, अन्य विकास कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। अभी यहाँ पे 4 या 5 के करीब अपने लाइब्रेरी बनाई गई है। इन्होंने कहा है इनमें से कुछ लाइब्रेरी का कार्य ये है कि बना दिए हैं। चलो मान ली, मंदिर रोड जो मेन रोड है वो आज 3 महीने हो गए, तो वहाँ तो ये लाइन बिछाई काफी दिन हो गए। और लाइन कितनी चल रही है? लाइन चलने लाइन का काम तो अभी तो नहीं हुआ, बाईपास से सड़क आती है। कोई मकान बनाता है, नींव डालता उस दिन वो सिरे चढ़ जाता है, एक दिन में मकान की नींव डालते हैं उस दिन छत लग जाता है क्या? कहीं देखे आपने हिंदुस्तान के अंदर विदेशों में आज नींव डाली है तो पूछो भाई, दुकान कोई बन रही है तो वो कितने दिनों से बन रही है? बाजार के अंदर दुकान बनती है तो वहाँ रास्ता तो रुक ही जाता है, ये बात है। एक मिनट में कोई चीज़ नहीं बनती मैडम, कार्य इतने तेजी से चल रहे हैं कोई है? दादाजी आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए सड़क कब से खराब थी जिसकी नींव अभी मजबूत की जा रही है? अब तो बिल्कुल 50 साल का काम हो रहा है यहाँ पे, 50 साल तक 5 पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई बच्चे हैं बेटा? आप बताइए। मेरे 2 किले का, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं बोडिया विष्णुयान का निवासी हूँ। मेरा 2 बोडिया विष्णुयान रहता हूँ। इसकी नौकरी करता है तो नौकरी करने वाला कुछ सवाल हो तो आप इनसे क्यों पूछ रहे? मेरे 4 किले का खाल बने हैं जी। ये तो कह रहे 4 किले का खाल बना है, पीछे लोगों का आश्वासन, सामने सबूत है। ये तो सिर्फ अब आप कह रहे हो कि ये बात ठीक है, अब मान। लेकिन मंडी की हम बात करें, मंडी की, मंडी में क्या काम हुआ? मैडम मंडी में क्या हुआ है? आप देखो वो कह रहे हैं मेरा खेत है वहाँ पे खाल बना है, और अब आपको बता देते हैं खाल क्या होता है। खाल वो नाला होता है जिसमें से पानी निकलता है, ये वही है जो खेतों में काम आता है, और वो बनाया गया है किसानों के सबसे अधिक खेतों तक पानी पहुंचाने के काम आता है, और वो बना है, वो ये कह रहे हैं। अब आप इससे सहमत हैं? ये बात बिल्कुल है तो है, काम करवाए तो उसके कैसे के? जो काम करवाए बुराई नहीं करते, हम कोई अलग नहीं है। अब जो मतदाता है वो 2014 के बाद में जागरूक हो गया जी, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति के मायने ही बदल दिए हैं। आज हर व्यक्ति, आज दुनिया में कोई भी बात हो रही है उस बात का उसको पता है, सोने से पहले वो इस बात की चिंता करता है। उसको ये भी पता है भी 13 विधायक बनेगा, वो
सेंटर तक उसकी बात पहुंचती है, क्योंकि जब राज्यसभा में राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं तो विधायक का उसमें महत्व होता है। आज हर बात को मतदाता इतना जागरूक हो गया है, 2014 के बाद से राजनीति में एक नई क्रांति के लिए मोदी जी जाने जाएंगे और इतिहास लिखा जाएगा। शिक्षा सबसे ठीक है। आप क्या कुछ? मैं तो एक पॉइंट बोलूंगा जी। प्रिंसिपल हैं आप? रिटायर्ड प्रिंसिपल। ऐसा है, वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है, जो भवेश जी ने यहाँ स्थापित किया है। 50 लाख रुपए उसमें लगेंगे और घरों के अंदर जो आर ओ सिस्टम लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी, उसका पानी आएगा। तब इतना बढ़िया बढ़िया काम करवा रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा उस पब्लिक को। प्रगति हो रही है? बिल्कुल प्रगति हो रही जी, 100%। आप तो फिर से घूम के आ गए हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार कैमरा घुमाकर आप दिखा दीजिए।